हेलो क्लास फोर्थ, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं मराठी लेक्चरमध्ये। हे बघा, आज आपण पाठ करणार आहोत पाठ क्रमांक 18, माझा अनुभव। हम जो है आज माझा अनुभव यानी मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव यानी एक्सपीरियंस पार्ट वन, ये लेसन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले मराठी में इसकी रीडिंग कर देती हूँ, फिर आपको जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। राइट। ऐका पाहा व वाचा यानी सुनो, देखो और पढ़ो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी पिक्चर्स नज़र आ रही है। पिक्चर स्टोरी है कि यहाँ पे अलग अलग पिक्चर है, उसके नीचे जो उसका स्टोरी दिया गया है। यहाँ पे कैरेक्टर्स, तीन कैरेक्टर्स दिए हैं, एक है रेहाना, सुमा और जो तीसरा कैरेक्टर जो है चंदन। ठीक है, चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे, तो आजारी पडला म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो। आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो, आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली। काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाला। तू लवकर बरं हो, मग आपण खेळू, मजा करू, मी म्हणाले। चंदन म्हणाला, रेहाना, सुमा, तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला, आता मला बरं वाटतंय। चंदनने आमचं आभार मानले। निघताना चंदनचा चेहरा हसर दिसत होता, हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला। ठीक है, ये एक पिक्चर स्टोरी है जो तीन फ्रेंड्स के बीच में है, और अभी जो है मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी फिर से। माझा व सुमाचा, चंदन माझा व सुमाचा मित्र है, यानी चंदन जो है वो मेरा और सुमा का बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो किस, कौन है दूसरी जो माझा करके अपने आप को बता रही है, वो है रेहाना। तो रेहाना और सुमा का जो फ्रेंड है वो है चंदन, और वो जो है तो आजारी पड़ला, वो बीमार पड़ चुका है। आजारी पड़ना यानी बीमार पड़ना। मनुन आमी त्याला भेटायला निकालो, इसीलिए जो है वो ये लोग जो है वो चंदन को मिलने जा रहे हैं। ऐसा कौन बता रहा है ये स्टोरी? ये स्टोरी रेहाना बता रही है। ठीक है, आम्ही त्याचा घरी पहुंचलो, हम उसके घर पहुंच गए। आम्ही त्याला फळे दिली, फूले दिली, फिर हमने उसको क्या दिया? फ्रूट्स दिया और फ्लावर्स दिया। जब कोई बीमार होता है हम उसके घर पे जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए ताकि जो बीमार इंसान है वो उसको अच्छा लगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप कुछ लेकर जाएंगे तो ही वो खुश होगा, लेकिन आप जब किसी की सेहत की दुआ करते हैं या फिर उससे मिलने जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेके जानी चाहिए जो उनकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं अब हम। काळजी घे, काळजी घे यानी ख्याल रख, वेळेवर औषध घे यानी टाइम पर दवाई लो, औषध यानी दवाई, सुमा म्हणाली। ऐसा किसने कहा? सुमा ने कहा। तू लवकर बरं हो, मग आपण खेळू, मजा करू, मी म्हणाले। तो फिर रेहाना से क्या बोलती है कि तू जल्दी से ठीक हो जा, लवकर बरं यानी जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम लोग खेलेंगे, मग आपण खेळू, मजा करूँ, बहुत मज़े भी करेंगे, ऐसा रेहाना बोली, मी म्हणाले। चंदन म्हणाला, फिर चंदन कहता है, रेहाना, सुमा, तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला, तुम दोनों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, अतः मला बरा वाटते, अब मुझे बहुत ठीक लग रहा है। ऐसा होता है ना कि जब आपसे कोई मिलने आता है बीमार होते तो आप भी फ्रेश हो जाते हो, है ना, वैसे ही। चंदन आम से आभार मान ली, चंदन ने जो है हमें थैंक्स कहा। निकता ना चंदन का चेहरा हासरा दिसत होता, जब हम उससे मिल के मतलब जब जा रहे थे तो हमने देखा कि वो बहुत खुश था, वो हंस रहा था। हे पाहुन अम्हाला ही आनंद झाला, ये देखकर हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो ये एक्सपीरियंस रेहाना और सुमा का था कि जब वो अपने फ्रेंड को मिलने गए जो बहुत बीमार था तो उसे अच्छा लगा, है ना। आप भी जब अपने फ्रेंड्स को मिलने जाओगे तो उसे जब मिलोगे तो उसे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है जब जो इंसान बीमार होता है बिस्तर में लेटे लेटे वो क्या हो जाता है, एकदम उदास हो जाता है ना, कोई मिलना नहीं है, उसको दवाई खानी है कड़वी कड़वी, और खाना भी जो है वो डॉक्टर ने जैसा बताया वैसा। तो ऐसे में जब फ्रेंड्स आके मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा एक एक्सपीरियंस ज़रूर करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके दोस्त बीमार पड़े, लेकिन अगर कोई पड़ता भी है बीमार तो आप उनसे ज़रूर मिलने जाएं, ये बहुत अच्छा काम होता है, और इसका एक्सपीरियंस आप शेयर करना। ठीक है, बाय क्लास।